छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसमें दो सगी बहनों की हुई मौत। दरअसल यह घटना किसी जहरीले जीव के काटने की आशंका बताई गई है। वहीं एक बच्चे की मौत घर में हुई तो दूसरे ने अस्पताल में इलाज से पहले ही दम तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चियों की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। हाल ही में बताया जाता है कि पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। वहीं पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल पाएगा। फिलहाल घटना थान खम्हरिया थाना क्षेत्र के श्यामपुर कापा गाँव का है। वहीं अतिरिक्त कलेक्टर अनिल वाजपेयी ने बताया कि श्यामपुर कापा गाँव में कुमारी रानी गोर्जो की 12 साल की थी, वहीं इंद्रानी गोर्जो की 9 साल की थी। दोनों की मौत हुई है। दो सगी बहनें अपने घर में परिवार के साथ जमीन पर सोई हुई थी, तभी रानी रात को उठी और अपने पिता गोविंद गोर से घबराहट की शिकायत भी की। उसके पिता ने उसे जैसे तैसे समझा बुझाकर सुला दिया। फिर गोविंद सुबह 5 बजे उठा, तब उनकी छोटी बेटी इंद्रानी के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी, जबकि उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं रानी की हालात गंभीर बताई गई थी और परिजन तत्काल उसे थान खम्हरिया में निजी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज से पहले ही दूसरी बेटी ने भी दम तोड़ दिया था। और बताया जा रहा है कि दोनों बच्चों की मौत की सूचना पर SDM धनराज मरकाम, CHO डॉक्टर खेमराज सोनवानी सहित प्रशासन की टीम गांव पहुंची और मृतक बच्चियों के परिजन से पूरी घटना की जानकारी भी ली। फिलहाल थान खम्हरिया की पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है और शुरुआती जांच में किसी जहरीले जीव के काटने से मौत होने की बात भी सामने आई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा।